देखो रिचा, जिंदगी में कोई इस लायक नहीं जिसके लिए अपने आप को तकलीफ पहुंचाई जाए। अपने ऊपर विश्वास रखो, प्लीज सब कुछ ठीक हो जाएगा। अंदर आ जाओ यार, आप दोनों को अकेला छोड़ दूं। निकी, प्लीज निकी, अंदर आओ। मैं शायद गलत वक्त पर आ गई। हाँ, जिससे मिलने आई हो उसका मूड अच्छा नहीं है। क्यों, आपने झगड़ा किया? मेरी इतनी हिम्मत? क्या हुआ रिचा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है निकी। छुपाने की तो उनकी पुरानी आदत है। और समझाने की आपकी। करण की बातों में मत आ, बैठ निकी। ऐसा क्या हो गया है कि करण इतना परेशान है? रिचा, तुम बता क्यों नहीं देती अगर कोई परेशानी है? हाँ, जब करण तुम्हारे साथ है तो क्या परवाह। करण की यही तो खूबी है, वो सब कुछ भुला देता है, हर दुख। मैं अपना ख्याल रख सकती हूँ। जानता हूँ, फिर भी कभी जरूरत हो तो रिचा मैं हूँ। करण, तुम्हें दूसरों के बारे में सोचने का इतना वक्त कहाँ से मिलता है? दोस्तों के लिए अलग से वक्त निकालने की जरूरत नहीं पड़ती। वैसे कुछ दोस्त बेईमान होते जा रहे हैं। कौन, करण? जी नहीं, आप। करण तो अभी मुझे हाँ, मेरी तो आज ही अजनबी से जानने वालों में प्रमोशन हुई है। दोस्त बनने की कोशिश कर रहा हूँ। आप अपनी कोशिश जारी रखिए, मैं चलती हूँ। अरे क्यों, तुझसे अकेले में कुछ बातें करनी थी, लेकिन यहाँ तो दोस्तों की जमात लगी हुई है। अगर आप चाहें तो हम आप दोनों को अकेला छोड़ सकते हैं। जी नहीं, मैं फिर कभी आ जाऊंगी। लेकिन ऐसी क्या बात है जो आप हमारे सामने नहीं कह सकती? हाँ, एक ऐसी ही बात है जो मैं सबके सामने नहीं कह सकती। फिर तो मैं आपको अपना राज ना ही बताने की सलाह दूंगा। क्यों, मैं क्या उसका राज किसी और को बता दूंगी? नहीं, लेकिन राज का अलग एक नशा होता है। आपको लगता है कि वो सिर्फ आपका है, बता देने से वो राज नहीं रहता। हर राज इतना हसीन नहीं होता, उनका बोझ इतना भारी होता है कि अकेले नहीं सहा जाता। खैर, मैं चलती हूँ। मैंने सोचा था यहाँ मेरी एक सहेली रहती है, लेकिन लगता है मेरे एक दोस्त ने, जो आजकल मुझसे आंखें चुरा रहा है, उसने मेरी सहेली को भी मुझसे चुरा लिया। सबका अपना हक होता है निकी। रिचा से मेरी दोस्ती होने से तुम्हारा उस पर हक खत्म तो नहीं होता? वो हक ही क्या जो जो इतनी सी बात पर डगमगा जाए? कभी कभी आपको अपने हक पे ही यकीन नहीं होता। अरे रुक, कमाल है, क्यों आई थी, क्यों चली गई, कुछ समझ नहीं आया। निकिता को समझना इतना आसान नहीं है। देखो, तुम ये चलती फिरती दुकान लेकर कहाँ जा रहे हो? चलती फिरती दुकान नहीं रिया, आज मुझे पढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन तुम्हें पढ़ने से कौन रोक रहा है? कभी भूख तो कभी सर दर्द, कभी इंक तो कभी पेट दर्द। इसका मतलब ये कि सारी दुनिया तुम्हारे खिलाफ है? लेकिन इस बार मेरे पास सबका इलाज है। जैसे भूख का, सर दर्द का। भीखू, सॉरी। अब तुम अपनी बकबक बंद करोगे और पढ़ोगे। चलो चलो। अरे इसीलिए तो मैं तुम्हारे पास आया हूँ रिया, मुझे आज पढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। अरे मैं पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनूंगा। अरे मैं पढ़ूंगा नहीं तो कमाऊंगा कैसे, और कमाऊंगा नहीं तो मेरी शादी कैसे होगी? और शादी नहीं हुई तो बच्चे कैसे होंगे? हाँ, और बच्चे नहीं हुए तो मरने के बाद तुम्हारा नाम ऊंचा कैसे होगा? यस, भेकू, सपनों की दुनिया से नीचे आओ और पढ़ो। पढ़ो, ठीक, बैठो। लोग कैसे लड़ो, ये कैसी पढ़ो। ठीक है, तो अभी हम सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की थ्योरी से शुरू करते हैं। लेकिन ये थ्योरी तो गलत है। जैसे कि मैं तुमसे ज्यादा ताकतवर हूँ,
लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं तुम्हें यूं पकड़कर राहुल की तरह यूं देखो। राहुल का तो पता नहीं, लेकिन मैं गांधी जी की तरह अपना दूसरा गाल भी आगे रखता हूं। कितना बाकी है तेरा राजा? बहुत। तूने शाहरुख की नई फिल्म देखी? नहीं। क्या फिल्म थी यार? हाय शाहरुख और उसके लिप्स, वाओ। शिखा, हम पेपर इंडियन सिनेमा पर नहीं, इंडियन इकोनॉमिक्स पर दे रहे हैं। चल चुपचाप पढ़ यार। तो क्या हुआ? इंडियन फिल्म इंडस्ट्री और इकोनॉमिक्स बहुत क्लोजली कनेक्टेड है। अब शाहरुख को ही ले लो। पहले तो तू ये बता, शाहरुख बीच में कहां से आ गया? अभी तक तो तुझे आमिर खान के लिए बहुत अच्छे लगते थे, क्यों? तो क्या हुआ, अगर एक के अच्छे लगते हैं तो दूसरे के नहीं अच्छे लग सकते? मुझे आमिर के लिप्स अच्छे लगते हैं, शाहरुख के लिप्स अच्छे लगते हैं, मुझे तेरे लिप्स भी अच्छे लगते हैं। वैसे तुझे शाहरुख से क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। अरे अम्मा, यार है अपना, कल ही तो आया था हमारे घर नहाने के लिए, उनके घर पानी नहीं आ रहा था। शिखा, कब उतरेगा तेरे सर से फिल्म स्टार्स का भूत? चल इकोनॉमिक्स पढ़। तही तो मैं समझाने की कोशिश कर रही थी। यू सी, इकोनॉमिक्स एंड फिल्म इंडस्ट्री सो क्लोजली कनेक्टेड। अब शाहरुख की डिमांड और उसकी फिल्म की सप्लाई। शिखा, तू कितनी बेईमान हो गई है यार। लॉयल्टी तो ऐसी बदली और फिर आमिर खान को तो एकदम ही भूल गई। वेरी बैड। देख, लॉयल्टी शॉयल्टी मत कर, अब जो पसंद आए वो। तू राहुल को ही ले लेना, पहले तो प्रिया 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 करता था और अब क्या? प्रिया तो इतनी दूर चली गई। चली क्या गई, राहुल की माँ ने उसे भिजवा दिया। क्या कहा, राहुल की माँ ने? क्यों? नहीं कुछ नहीं, मैं तो यूं ही बस। शिखा सच बता, क्या हुआ है? नहीं राजा, मैं नहीं बता सकती, प्रिया ने मुझे कसम दी है। और राहुल को देख, वो तो अब रिया से प्यार करने लगा है। राहुल तो है ही ऐसा। बेचारी प्रिया, तू सोच भी नहीं सकता प्रिया राहुल से कितना प्यार करती है। प्यार ने प्रिया को बिल्कुल बदल दिया है। जब मैं आखिरी बार उसके घर गई थी ना, तब प्रिया रोए जा रही थी, उसे राहुल को छोड़ के जाने में बहुत तकलीफ हो रही थी। ये मुझसे अच्छा कौन समझ सकता है, मैं भी तो जी रहा हूँ प्रिया के बिना। पर मुझे अब कोई दुख नहीं है, मैं जान गया हूँ कि उसको पता है कि मैं उससे कितना प्यार करता हूँ। उसकी हालत देखकर राहुल का कार्ड मुझसे दिया नहीं गया। जिंदगी में शायद पहली बार राहुल ने सच लिखा होगा और मैंने वो भी छुपा दिया। लेकिन प्रिया ये सच बर्दाश्त नहीं कर पाती कि राहुल उससे नहीं रिया को प्यार करता है। लेकिन शिखा, तुझे बात रिया से नहीं छुपानी चाहिए थी, वो तो अभी तक यही समझती है कि राहुल प्रिया से प्यार करता है। इकोनॉमिक्स पढ़ बच्चू, किसको क्या कहना है मैं सब जानती हूँ। रिफिल खत्म हो गई। फेकू, अब तुम और मत पढ़ो। नहीं रिया, मैंने मानव को वादा किया था कि मैं मन लगा के पढ़ूंगा, मुझे पढ़ने दो। अगर उसे तुम्हारी इतनी ही चिंता थी तो वो गया क्यों? उसे किसी की कोई परवाह नहीं सिवाय अपने। नहीं नहीं रिया, ऐसा मत बोलो, मानव बहुत अच्छा लड़का है। तुम्हें पता है वो अपने पैसों से अपनी पढ़ाई करता है, उसके घर वाले भी उसकी खबर नहीं लेते। उसके घर वाले कहाँ हैं? बेंगलोर में। तो फिर वो यहाँ अकेला क्यों रहता है? पता नहीं, लेकिन कुछ वजह है। उसने मुझे कसम दी है रिया, मैं तुम्हें कुछ बता नहीं सकता। कसम दी है? हाँ। रिया वो बहुत परेशान है, लेकिन उसका कारण मैं तुम्हें नहीं बता सकता, वो अंदर ही अंदर घुट रहा है। लेकिन वो गया क्यों है? अपनी माँ से मिलने। क्या? हाँ रिया, वो कह रहा था कि शायद मैं लौट के ना आऊं फेकू। मानव, मानव वापस नहीं आएगा? रिया, पता नहीं, मुझे उसकी बहुत याद आती है। पता है वो फर्स्ट आने के लिए कितनी मेहनत करता था। रिया, अगर वो एग्जाम नहीं देगा ना तो उसका कैरियर बर्बाद हो जाएगा। तो तुमने उसे समझाया क्यों नहीं फेकू? क्या समझाऊं,
जब समझाया तो कहने लगा तू नहीं समझेगा। मेरे बारे में पेकू, मेरे बारे में कुछ कुछ कहा उसने? नहीं रिया। कितने दिन हो गए उसे गए? हेलो, हाय, कैसा है तू? राहुल? हाँ नहीं नहीं नहीं, हाँ हाँ है, एक मिनट ना। रिया, फोन है तुम्हारे लिए, राहुल का। भेकू, उससे कह दो कि मैं पढ़ रही हूँ और इस वक्त बात नहीं कर सकती। तुम ही कह दो ना। प्लीज भेकू। ठीक है। हेलो राहुल, रिया पढ़ रही है। हाँ, वो तुझसे बात नहीं कर सकती। बाय, रख दे। रिया, तुमने राहुल से बात क्यों नहीं की? वो तुमसे बात करना चाहता था और तुम तो पढ़ भी नहीं रही थी, फिर तुमने झूठ क्यों बोला? मानव ने कहा था कोई भी रिश्ता झूठ की बुनियाद पर नहीं टिकता और राहुल ने मुझसे बहुत झूठ बोला है। हाय, क्या चल रहा है? जॉइंट स्टडी। वो तो अब हो नहीं सकती क्योंकि तू जो यहाँ आ गई, अब तो यहाँ जॉइंट गॉसिप होगा। फेकू, भलाई इसी में कि निकल रही। ये क्या, कहाँ जा रहे हो? अब मेरे दिमाग को भूख लगी है, मैं पिज्जा खाने जा रहा हूँ। राहुल का फोन आया था? हाँ, तूने ठीक कहा था शिखा, राहुल और मैं एक दूसरे के लिए नहीं है। रिया, आज तक मैं तुम्हारी मिन्नत करता हूँ, लेकिन एक दिन तुम्हें घर से उठाकर ले जाऊंगा। तो मुझे क्यों लोगों के सामने छोटा बना रही हो? मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, बुरा भी बन सकता हूँ। अब तुम्हारे हाथ में है, बुरा बनो या अच्छा। मैं जानती हूँ तू राहुल से क्यों बात नहीं करना चाहती रिया। क्यों? तू प्रिया के घर गई थी, प्रिया ने मुझे सब कुछ बता दिया है। हाँ शिखा, अब मैं राहुल से कभी नहीं मिलूंगी। मुझे पढ़ना है, अगर इस बार एग्जाम्स अच्छे नहीं गए तो साइकोलॉजी मेजर नहीं मिलेगा, और मैंने सर को प्रॉमिस किया है। रिया, तू राहुल को गलत समझ रही है। शिखा, अगर तुम राहुल के बारे में कोई भी बात करना ही हो तो मुझे कोई दिलचस्पी नहीं। ओके बाबा, सॉरी। तुम मुझे हिस्ट्री के पुराने नोट्स देने वाली थी, लाई हो? ओह हाँ, वो तो मुझे मिले ही नहीं, तुम राहुल से ले लो ना। शिखा, मुझे राहुल से कुछ नहीं लेना, मैंने तुमसे पहले ही कहा है कि हम राहुल के बारे में कोई बात नहीं करेंगे। सॉरी। एग्जाम्स एक महीने के बाद है ना? हाँ यार, बेचारा राहुल, वो तो बिल्कुल नहीं पढ़ पा रहा। क्यों? जाने दो, हम तो राहुल की बात नहीं करने वाले थे ना, फिर तुमने ये बात शुरू ही क्यों की? रिया, राहुल के एक्सीडेंट के बाद वो अभी तक बिल्कुल ठीक नहीं हुआ है, दिन भर बिस्तर पर पड़ा रहता है, कहीं आ जा भी तो नहीं सकता। अगर प्रिया होती ना तो जरूर उसे कंपनी देती। हाँ शिखा, प्रिया उसी के लायक है और राहुल प्रिया के। रिया, राहुल बहुत बदल गया है, बहुत सीरियस हो गया है। तुझे याद कर रहा था। बस शिखा, बहुत हो चुका, क्यों बार बार राहुल की बातें करती हो? क्या करूं मैं शिखा, तुमने ही तो कहा था ना कि मैं और राहुल एक दूसरे के लिए नहीं बने। मुझे राहुल नहीं चाहिए शिखा, तुम सब मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ देते? अब मुझे राहुल से सिर्फ हमदर्दी है और कुछ नहीं। मैं इसका क्या करूं,
प्रिया तो राहुल के बगैर जी ही तो रही है, मगर प्रिया उसका क्या? राहुल को पाने का एक और मौका प्रिया को मिलना ही चाहिए। हाँ, मैं वो मौका प्रिया को जरूर दूंगी। शिखा, शिखा ये राहुल को दे देना प्लीज। गेटवेल कार्ड, जब राहुल के साथ कोई नाता ही नहीं रखना तो उसे ये गेटवेल कार्ड देने का मतलब इंसानियत के नाते। आई लव यू करण, मैं तुम्हारी होना चाहती हूँ। तुमने आज तक नहीं कहा कि तुम मुझसे प्यार करते हो, लेकिन शायद किस्मत ने यही चाहा था। मैं नहीं जानती तुम्हारे और ऋचा के बीच क्या है, लेकिन इस वक्त मैं कुछ बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी, कुछ नहीं। जानता था कि तुम यहीं मिलोगी। क्यों निकी, क्यों चली आई वहां से? मुझे लगा मेरी वहां जरूरत नहीं है। मैं नहीं जानता कि तुम क्या समझ रही हो, लेकिन मैं निकी, मैं तुम्हें इस तरह से उदास नहीं देख सकता। करण, शायद किसी को अपने इतना करीब आने ही नहीं देना चाहिए कि वो आपको इतनी चोट पहुंचा सके। मैं जानता हूं कि मैंने तुम्हें बहुत चोट पहुंचाई है, तुम्हारे साथ गलती की है, लेकिन निकी, आई एम वेरी गिल्टी। तुम चाहो तो मुझे कुछ भी सजा दे सकती हो। कारण, दोस्ती में सजा नहीं दी जाती। दोस्ती ही तो नहीं निभा पा रहा हूं मैं। जो मैंने तुम्हारे साथ किया वो दोस्ती नहीं थी, और जो हुआ उसकी शर्मिंदगी जाहिर करने के लिए मेरे पास लफ्ज नहीं है। कारण, तुम क्यों नहीं भूल पा रहे हो? मुझे कोई गिला नहीं, मुझे माफी नहीं, तुम चाहिए, तुम्हारी दोस्ती, तुम्हारा साथ। मेरी जिंदगी में तुम्हारे सिवा कुछ नहीं, और मैं तुम पर भरोसा करती हूं करण। ओ करण, तू क्यों नहीं कह देता कि तू इससे प्यार नहीं करता, तू ऋचा से प्यार करता है? कब तक ये झूठ छिपाएगा, कब तक? करण, शायद तुम कहने में विश्वास नहीं करते, लेकिन सिर्फ मेरी खातिर कह दो कि तुम मुझसे प्यार करते हो। अगर वो कुछ घर बैठी तो? मुझे विश्वास है तुम वादा करोगे तो जिंदगी भर धोखा नहीं दोगे।
निकी, निकी मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। बोलो करण। निकी